हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुशील को देखते हैं जहां वो हूनों के पूरे गांव में घूमते हुए वाईफाई ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं वाईफाई नहीं मिलता है। फिर वो हून देख के जिम में जाता है जहां उसे वाईफाई मिलता है। वहीं सुशील जिम में हूनों के टॉफिस देखकर हुनटेक से पूछता है क्या हूनो बॉक्सिंग भी करता है। तब हुनटेक हाँ कहता है। वहीं हम हूनों को देखते हैं, वो सभी आदमियों को खूब मारता है और मेन लीडर को पकड़ लेता है। तभी वहां पुलिस आती है और मेन लीडर और सभी आदमियों को अरेस्ट करके लेकर जाती है। उसके बाद हम हेन को देखते हैं, वो अपने सामने उंशियो को देखकर उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उंशियो कहता है तुम्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और तुम यहाँ हो, ये बात उससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तब हेन कहती है क्या तुम पागल हो। तब उंशियो कहता है हाँ मैं पागल हूँ और मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में भी पता चल गया है और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने तुम्हारे डॉक्टर से तुम्हारे बीमारी के बारे में पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डन नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गार्डन बनना चाहता हूँ और तुमने अपने ट्यूमर के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है क्योंकि उन्हें अगर तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी पहले ही एक बेटा को खो चुके हैं। तब हेन कहती है चुप रहो। तब उंशियो कहता है तुम अगर अपनी फैमिली को आगे प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सीओ की पोस्ट अभी भी खाली है। तभी वहाँ सुशील चिल्लाते हुए आता है और वो उंशियो को मारने जाता है। तब उंशियो हट जाता है जिससे सुशील नीचे गिर जाता है। तब हुनटेक सुशील को संभालता है। वहीं सुशील उंशियो से कहता है दाही कहाँ है मुझे बताओ, मुझे लगता है मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे वजह से हुआ है। तब हेन उसे कहती है रोना बंद करो, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। सुशील उनसे उसे कहता है मुझे बताओ दाही कहाँ है, लेकिन उनसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेन सुशील और हुनटेक जा रहे थे। तब हेन उन दोनों से कहती है उनसे के यहाँ आने के बाद फैमिली में किसी को मत बताना। उसके बाद हम दाही को देखते हैं, वो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। तभी उसे उनसे का कॉल आता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने कोरिया का नंबर, अपना मोबाइल और ईमेल सब कुछ डिलीट कर दिया ना। तब दाही हाँ कहती है। तब उंशियो कहता है अब जब ज़रूरत होगी तभी हम एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। तब दाही पूछती है क्या तुम सुशील से मिले थे। तब उंशियो उससे पूछता है क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। तब दाही कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तब उंशियो कहता है वो तुमसे बहुत गुस्सा है और वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद हम हेन को देखते हैं जहाँ वो हूनों के आने का वेट कर रही थी। तभी हूनों घर आता है। हेन हूनों के छोटों को देखकर वो उससे पूछती है ये कैसे हुआ और वो उसे रूम में लेकर जाकर देखने लगती है कहाँ कहाँ चोट लगी है और वो उसके टी शर्ट खोने लगती है देखने के लिए। तब हूनों कहता है रुक जाओ। तब हेन कहती है तुम चुपचाप रहो। तभी हेन देखती है हूनों के शोल्डर में बहुत छोटे हैं। तब हेन उससे पूछती है तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी। फिर वो उसे मेडिसिन लगाने लगती है। तब हूनों कहता है मैं अकेले बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहा था। तब हेन पूछती है वो तुम्हें क्यों मारने आए थे, वो कौन थे। तब हूनों कहता है मैंने तुम्हें लैंड बोकर के बारे में कहा था ना, वो अपने आदमी लेकर मुझे मारने आए थे लेकिन वो अब खुद जेल में है। तब हेन कहती है तुम्हें भाग जाना चाहिए था, मुझसे प्रॉमिस करो अगर तुम अब की बार से कभी ऐसे सिचुएशन में आओगे तो तुम फाइट नहीं करके वहाँ से भाग जाओगे। अगर तुम इसके बाद मेरे सामने किसी के साथ फाइट करके आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब हूनों उससे प्रॉमिस करता है ऐसा कभी नहीं करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को देखते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब वो सुशील के चोट को देखकर पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। तब सुशील कहता है मैं गिर गया था। वहीं तभी हूनों आता है, उसके फेस में भी चोट देकर उससे भी पूछते हैं। तब हूनों कहता है मैं भी गिर गया था। तभी सुशील सबको कहता है मुझे पता चला है कि हूनों बॉक्सर था, उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तब हूनों के डैड कहते हैं हूनों ऑलराउंडर था, वो हमेशा टॉप में रहता था, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गया है।
तो मिशुन कहती है, हुनो आपके ऊपर नहीं, हुनटेक आपके ऊपर गया है। फिर हम देखते हैं हुनो ऑफिस जा रहा था, तभी उसके पास सुशल आता है और वो उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ सुशल उसियों के बारे में बताने आया था, तभी वहाँ हेन आ जाती है जिसे देखकर सुशल कुछ नहीं बताता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हेन हुनो से पूछती है, क्या तुमने मेडिसिन लगाया? तब हुनो कहता है, मैं भूल गया। तब हेन मेडिसिन लगा कर बैंडेज लगाती है। फिर हुनो जाने लगता है, लेकिन थोड़े आगे जाकर वो कार रोककर वापस आता है और वो हेन से कहता है, अभी बहुत ट्रैफिक मिलेगी, मुझे 10 मिनट के बाद जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तब हेन कहती है, पहले जब हमने यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाया था तभी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। तब हुनो कहता है, मुझे एक बात का रिग्रेट होता है कि मैंने तुमसे कभी भी नहीं पूछा है कि तुम्हारा दिन कैसे बीता, तुम कैसी हो। अगर मैंने तुमसे पूछा होता तो आज हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती, इसके लिए मुझे माफ़ करना। उसके बाद हम ऊंचो और श्योलही को देखते हैं, जहाँ श्योलही उससे कहती है, तुम्हें अभी चेयरमैन को यहाँ वापस लेकर आना चाहिए। तब ऊंचो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही हेन से शादी करने वाला हूँ। तब श्योलही पूछती है, क्या वो शादी के लिए रेडी हो गई है? तब ऊंचो कहता है, मुझे जो भी चाहिए होता है वो मैं लेकर ही रहता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम हुनो को ऑफिस में देखते हैं, जहां उसे ईमेल मिलता है कि उसे उसके पोजीशन से रिमूव कर दिया गया है और उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने माल प्रैक्टिस की है। फिर हम हुनो को देखते हैं, वो अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसके पास उनसे आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कम समय के लिए यहाँ रहोगे। तब हुनो कहता है, तुमने मुझ में माल प्रैक्टिस का ब्लेम ढाला है, क्या तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस है? तब उनसे कहता है, जल्दी ही इंक्वायरी मीटिंग होने वाली है, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे हेन जिस गांव में है वहाँ की हवा बहुत अच्छी है, मैं कल उससे मिला था, क्या उसने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया? ये सुनकर हुनो शॉक होता है और वो कहता है, हमारे पास बात करने का समय नहीं होता है और मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक्सपोज करूँगा। तब उनशो कहता है, जो करना है करो, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम श्योलही को ग्रेस के साथ देखते हैं, जहाँ श्योलही उसे कहती है, तुम्हें चेयरमैन कहाँ है उन्हें ढूंढना है, अगर तुमने उन्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें चीओ बना दूंगी। उसके बाद ग्रेस चेयरमैन को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम ब्योमजा को देखते हैं, जहाँ वो कैनन से कॉल में बात कर रही थी, जहाँ कैनन उसे बताता है कि उनशियो ने चेयरमैन को कहीं और छुपा दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ छुपाया है। तब ब्योमजा कहती है, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। कॉल कट करने के बाद ब्योमजा सॉन्ग से मिलती है। तब सॉन्ग उससे कहता है, तुम तो मेरी मॉम की बेटी हो ना। तब ब्योमजा कहती है, उन्होंने मुझे पागल बनाया था। फिर ब्योमजा सॉन्ग को हैंकी देकर कहती है, ये तुम्हारी मॉम की है। तब सॉन्ग पूछता है, क्या तुम रो रही थी? तब ब्योमजा मना करती है। तब सॉन्ग कहता है, जब भी तुम सैड हो तुम्हें चिकन खाना चाहिए, और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम सुशुल को देखते हैं, तभी वो हुनटे के बेटे को मोबाइल में गेम खेलते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि दाही उसके साथ गेम खेला करती थी। तब वो अपना अकाउंट ऑन करता है, तब वो देखता है दाही 2 घंटे पहले ऑनलाइन आई थी, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं, जहां वो श्योलही से चेयरमैन के बारे में बात कर रही थी। तभी उसके पास हुनो और यांकी आते हैं। उसके बाद वो तीनों बात कर रहे थे, जहां हुनो ग्रेस को ब्लैकमेल करते हुए कहता है, मुझे पता है तुमने क्या क्या गलत काम किया है, हम चाहे तो तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं। तब ग्रेस कहती है, मैंने ये सब खुद की मर्जी से नहीं किया है, मैंने ये पैसे के लिए किया है। तभी वहाँ ब्योमजा पीछे से आती है और वो अपने बैग से ग्रेस के सर में मारती है, और वो ग्रेस से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? उसके बाद हम सभी को एक साथ कैनन के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ ग्रेस कहती है, उनशियो ने चेयरमैन को कहीं लेकर चले गए हैं, लेकिन कहाँ लेकर गए हैं मुझे भी पता नहीं है। वैसे किमशन कैसी है? नेक्स्ट सीन पे हम किमशन को देखते हैं, वो कैफे में कॉफ़ी पीने जाती है, जहाँ पहले पे करना पड़ता है।
तब किमशन अपना कार्ड देती है जो काम नहीं करता है। तब किमशन कहती है, क्या मैं बाद में पे कर सकती हूँ? तब वो एम्प्लॉय मना करती है। तभी वहाँ बोंगी आती है और वो अपने पैसे के साथ किमशन के पैसे भी पे कर देती है। तब किमशन उससे कहती है, मैं फ्री में कुछ नहीं लेती हूँ। तब बोंगी कहती है, तुम्हें फ्री में दे भी कौन रहा है, तुम्हें पे करने के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद बोंगी किमशन को अपने फार्म लेकर जाती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ काम करना होगा। और किमशन को वहाँ की एक लेडी काम सिखाती है। उसके बाद हम हेन को देखते हैं, उससे मिलने सेक्रेटरी ना आती है और वो दोनों बैठकर बात करते हैं। जहाँ ना कहती है, इतना इंसल्ट होने के बाद भी हूनो वहाँ काम क्यों कर रहा है? तब हेन कहती है, मुझे समझ में नहीं आया, क्या इंसल्ट? तब ना कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता हूनो पर माल प्रैक्टिस का केस किया है उनशो ने। नेक्स्ट सीन में हम किमशन को देखते हैं जहाँ बोंगी उसे फार्म में काम करने के लिए पैसे भी देती है। उसके बाद हम पूरी फैमिली को देखते हैं जहाँ वो सभी डिनर कर रहे थे और यहाँ किमशन बहुत ज़्यादा खाना खा रही होती है जो देखकर सभी शॉक होते हैं। उसके बाद जब ब्योमजुन किमशन के लिए स्लीपिंग पिल्स लेकर जाता है तब वो देखता है कि किमशन पहले ही सो गई है जो देखकर वो शॉक होता है। नेक्स्ट डे हम बोंगी को देखते हैं, वो जब फार्म से घर आती है तब वो यहाँ वहाँ पत्ते गिरे हुए देखकर अंदर जाती है। तब वो हेन को डॉक्टर से बात करते हुए सुनती है जहाँ हेन कह रही थी, मैं वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज करने के लिए इंजेक्शन ले रही हूँ और मैं अच्छे से मेडिसिन भी ले रही हूँ। ये सुनकर बोंगी शॉक होती है। उसके बाद बोंगी हूनो के पास जाती है जहाँ बोंगी उससे पूछती है, तो मुझे सच बताओ, क्या हेन बीमार है? मैंने उसे डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। तब हूनो कहता है, हाँ वो बीमार है लेकिन उसने ये बात अपनी फैमिली से सीक्रेट रखा है। तब बोंगी पूछती है, हेन को क्या हुआ है? तब हूनो इमोशनल होते हुए बताता है, उसको ब्रेन ट्यूमर है जो रेयर केस है जिसकी सर्जरी अभी नहीं हो सकती है और सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर बोंगी रोने लगती है। तब हूनो कहता है, जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तब आप उसके अच्छे से ख्याल रखना, इसके बारे में उसके फैमिली को कुछ पता नहीं है। तब बोंगी पूछती है, तुम्हें कब पता चला? तब हूनो कहता है, जिस दिन मैं यहाँ डिवोर्स लेने वाली बात बताने आया था यहाँ से वापस जाने के बाद मुझे पता चला। तब बोंगी कहती है, इसलिए तुमने डिवोर्स लेने का प्लान चेंज किया ना? तब हूनो हाँ कहता है। तब बोंगी उसे मारती है और कहती है, मुझे इसका आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा लगा था। तब हूनो रोते हुए कहता है, प्लीज़ आप उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद हम हूनो के डैड को देखते हैं। वो देखते हैं बोंगी काम करते हुए रो रही थी, जिससे उन्हें लगता है कि बोंगी उनके पोजीशन चेंज जाने की वजह से रो रही है और वो इसके बारे में मिशन को भी बताती है लेकिन मिशन को विश्वास नहीं होता है। वहीं जब मिशन अंदर जाती है तब वो देखती है बोंगी ने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं और बोंगी मिशन को हेन को खाना खाने बुलाने कहती है। फिर एक एक करके सभी ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। वहीं किमशन पूछती है, सुशल कहाँ है? वहीं हम सुशल को जिम में देखते हैं जहाँ वो दाही के ऑनलाइन आने का वेट कर रहा था। तभी दाही को ऑनलाइन आते देखकर वो उसे गेम में मैसेज करता है। उसका मैसेज देखकर दाही शॉक होती है जहाँ सुशल कहता है, योनू का वैक्सीनेशन डेट आने वाला है और वैक्सीन देते समय तुम उसके लिए बेबी शक गाना जिससे वो ना रोए, और वो उसे वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी भेजता है। ये देखकर दाही एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जहाँ ग्योनू को वैक्सीन दिया जा रहा था तब सुशल उसके लिए बेबी शक गा रहा था और वो रो रहा होता है। सीन प्रेजेंट में आता है और दाही सुशल का मैसेज देखकर इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम हेन को देखते हैं, वो रेडी होकर बाहर आती है। तब किमशन उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम भी शोल जा रही हो? तब हेन कहती है, हाँ मुझे कुछ काम है। तब किमशन कहती है, मैंने सुना कि उनशो तुमसे मिलने आया था, वो क्यों आया था? तब हेन कहती है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूँ। तब किमशन कहती है, तो तुम भी उसके साथ मिलकर अपनी फैमिली को निकाल कर कंपनी खुद लेने का तो नहीं सोच रही हो ना? तभी वहाँ बोंगी ट्रैक्टर लेकर वहाँ आती है। तब हेन ट्रैक्टर में बैठकर वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद हम हेन को देखते हैं। वो क्वीन ग्रुप में जाती है जहाँ उसे देखकर सभी शॉक होते हैं। वही सेक्रेटरी नाहूनो को इसके बारे में बताती है। फिर हम हेन को देखते हैं जहाँ हेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होती है। तभी वहाँ उनशो आता है और वो उसे देखकर खुश होकर कहता है, वेलकम बैक। तब हेन कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। वहीं हूनो भागकर हेन के पास आता है, लेकिन उससे पहले ही हेन वहाँ से उनशो के साथ चली जाती है। उसके बाद हूनो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जगह जाता है और वो हेन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वहाँ उनशो भी आ जाता है और हेन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लूँगी। और वो उनशो के साथ अंदर चली जाती है। उसके बाद हम ग्रेस और ब्योमचा को देखते हैं जहाँ वो दोनों चेयरमैन को ढूंढते हुए एक जगह जाते हैं। तभी ग्रेस को शोल्ही का कॉल आता है। तब ग्रेस झूठ कहती है कि उसे अभी तक कुछ नहीं पता चला है। वहीं हम शोल्ही को कुछ आदमियों के साथ देखते हैं। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, उन्हें होश आ जाता है। उसके बाद हेन और उनशो को एक एम्प्लॉय बताता है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहना है। उसके बाद हम हेन और उनशो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहां उनशो कहता है, चेयरमैन के बीमार होने के कारण अब मैं क्वीन का न्यू चेयरमैन हूं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने क्वीन फैमिली को धोखा दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हेन को फिर से उसके शो पोजीशन देने वाला हूं। फिर वो हेन को बोलने कहता है। तब हेन पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वहीं हूनो भी वहाँ होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हेन कहती है, उनशो ने मुझे धमकी दी है। ये सुनकर हूनो वहीं रुक जाता है। हेन कहती है, उसने मेरे हस्बैंड हूनो के खिलाफ झूठा केस करके फंसाया है, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। वहीं ये सब सुनकर उनशो शॉक होता है। हेन कहती है, मैं अपने पोजीशन में वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय जीने के लिए नहीं है। और वो हूनो की तरफ देखती है और दोनों इमोशनल होते हैं। उसके बाद हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम हूनो हेन को उसकी कंपनी के गेट टुगेदर में देखते हैं जहाँ सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब हेन इंटर्न थी। वहीं एक आदमी हेन को ड्रिंक करने कहता है जिसके लिए हेन मना करती है। तब वो आदमी उसे जोर जबरदस्ती ड्रिंक करने कहता है। तब हूनो आकर उस आदमी को पीछे करता है और वो कहता है, मैं हेन के बदले ड्रिंक कर लूँगा। उसके बाद हम हेन और हूनो को बाहर देखते हैं जहाँ हूनो उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। तब हेन कहती है, हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम ड्रिंक करते हो कितने क्यूट लगते हो, तो मेरे अलावा किसी और लड़की के सामने कैसे क्यूट बन सकते हो। तब हूनो उससे कहता है, मुझे माफ़ करो, आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हूनो ड्रंक होता है और वो घर जा रहा था। वहीं उसके हाथ में एक प्लांट होता है जिसका लिप तोड़ तोड़ के वो कह रहा होता है, क्या हेन मुझे लाइक करती है या नहीं। फिर हूनो हेन के रूम के बाहर होता है। तब हेन उसकी आवाज़ सुनकर डोर खोलने का सोचती है लेकिन नहीं खोलती है। वहीं हूनो के प्लांट में एक ही पत्ता बचा रहता है जिसमें होता है, हेन मुझे लाइक करती है। और वो बहुत खुश होता है और वो कहता है, हेन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हेन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।